वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का टूरिज्म का पेपर। एंड जिन बच्चों ने पार्ट वन देख लिया होगा, आई होप कि आपने देख लिया होगा पार्ट वन, सभी बच्चों ने। इस पेपर का हमने ऑलरेडी पार्ट वन बना रखा है। जिन बच्चों को नहीं पता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, टूरिज्म का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी का पार्ट टू रहेगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी को पता होगा पैटर्न के बारे में, जैसे मार्क्स वेटेज जो इसकी रहती है, 60 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 3 घंटे आप सभी के पास इस पेपर को करने के लिए होता है। एंड यहाँ पे कुछ नए बच्चे होंगे जो पेपर पहली बार देख रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। तो बोर्ड का पेपर आपका कुछ इस टाइप का आता है, जिसके अंदर सेट लिखे रहते हैं एंड नोट के अंदर जो है पेजों की संख्या लिखी रहती है कि कितने प्रिंटेड पेज है, क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, टोटल क्वेश्चन जैसे 24 इस पेपर में, एंड टाइम के बारे में दिया रहता है। बाकी यहाँ से आपका जो है पैटर्न बताया हुआ है कि पेपर का जो पैटर्न होगा कैसा होगा। देखिए, आपका जो टूरिज्म का पेपर है ना, वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका सेक्शन ए और दूसरा पार्ट है सेक्शन बी। ठीक है, दो सेक्शन के अंदर डिवाइड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। एंड बाकी इसके अलावा और कुछ पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि 6 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन ए में रहेंगे, ये सेक्शन ए का दिया हुआ है। एंड सेक्शन बी के अंदर जो है आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे, वैसे तो 18 रहेंगे लेकिन करने आपको 11 होंगे। ठीक है, तो टोटल जो पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो तो 24 है, लेकिन 17 आपको टोटल क्वेश्चन करने होंगे। बाकी आप पढ़ सकते हैं, जो जो चीज़ें हैं मैं आपको पेपर में ऑलरेडी पार्ट वन वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि पैटर्न कैसा होगा। बाकी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, तो इसके इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम है इसका इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे पहले सेक्शन के अंदर, और दूसरे सेक्शन के अंदर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 30-30 नंबर का दोनों सेक्शन रहेगा। एंड यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमने पार्ट वन डिस्कस कर लिया। पार्ट टू की तरफ चलते, जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उसको हम कवर करते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे सभी सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी व्यक्तिपरक प्रकार के प्रश्न, यानी आपको आंसर पूरा लिख के देना होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, आपके उसके अंदर एमसीक्यू टाइप ज्यादा क्वेश्चन थे। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आए। एंड हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने मैं लिख देता हूँ। कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डाउट पूछ सकते हैं। कृष्णा साहनी 08 करके जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कृष्णा साहनी 08। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी बच्चे को पॉलिटिकल या हिस्ट्री, आप सभी के पास कोई कोई बच्चा होगा ऐसा पॉलिटिकल और हिस्ट्री का पेपर हो उनका, तो अगर आपको 20 सैंपल पेपर विद आंसर रहेंगे उसके अंदर, 20 सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट का यानी पॉलिटिकल साइंस का 20 और 20 हिस्ट्री का, किसी बच्चे को परचेज करना हो तो वो कर सकता है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी डिटेल्स जो आपको बता रखा है। आप दिए हुए, जैसे मैं आपको मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 95 40 48 44 64 ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट हो, पेपर सैंपल पेपर खरीदना हो तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए, जो कि जस्ट 99 में एक सब्जेक्ट का है। अगर आप दोनों सब्जेक्ट का एक साथ लेंगे तो कुछ आपको ऑफर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। आइए इस पेपर की तरफ आते हैं। एंड यहाँ से आपका 7वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने सेक्शन ए के अंदर पार्ट वन वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। 7वें क्वेश्चन में कहा गया, उद्यमियों को उद्योग में प्रवेश पाने के लिए बाधाओं के बारे में पता होना चाहिए। यानी जो भी नए नए आप देखते होंगे, बहुत सारे आज के समय बिजनेस चल रहे हैं, एंड कोई भी नया बिजनेस आप चालू करते हैं तो जो बिजनेसमैन होता है उसकी बात हो रही है कि उद्योग में प्रवेश पाने के लिए बाधाओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी कौन कौन सी समस्या है बिजनेस के अंदर ये पता होना चाहिए। उद्यमी बनने में आने वाली किन्हीं दो बाधाओं को आपको बताना है। तो अगर हम इसके आंसर को देखें, दो बोला गया है, दो आपको बताना है। बाकी मैंने यहाँ पे कई सारे पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे कि पूंजी की कमी हो सकती है, उद्यमशील मानसिकता का अभाव रह सकता है, असहयोगी कारोबारी माहौल हो सकता है, बाजार प्रवेश नियम, पूंजी की कमी दो बार आ गया। एंड और कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, वो है कुशल कार्यबल, चुनौतियां एंड जोखिम। ये सारी चीजें जो है कोई भी एंटरप्रेन्योर आपने सुना होगा, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी जो नया मार्केट के अंदर आता है, एंड कौन कौन सी समस्याओं का सामना करता है, तो वो ये चीजें होगी। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे बताया हुआ है, Entrepreneurs must be aware of the barriers to gain entry into the industry. Explain any two barriers to becoming an entrepreneur. तो ये आप देख सकते हैं, shortage of capital रहता है, lack of entrepreneurial mindset रह सकता है,
अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकता है, मार्केट एंट्री रेगुलेशन हो सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ये दो दो बार आ गया, स्किल्ड वर्क फोर्स चैलेंजेस एंड रिस्क हो सकता है इसके अंदर, तो ये चीजें फेस कर सकते हैं। एंड किसी दो पॉइंट को ही आपको बताना है, यहाँ पे मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए हुए। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चले, तो स्प्रेड शीट वाला हमने पहले एमसीक्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन किया था, स्प्रेड शीट को पासवर्ड से सुरक्षित करने के चरण आपको सूचीबद्ध करना है। स्प्रेड शीट है उसको हम पासवर्ड से किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं उसके आपको चरण बताने, तो टूल्स मेनू का चयन करना है, दस्तावेज की सुरक्षा करनी है, दस्तावेज की सुरक्षा करें, चुने की सीट दो या दस्तावेज की सुरक्षा करनी है या नहीं। यदि आप सीट का चयन करते हैं तो प्रोटेक्टेड सीट संवाद बॉक्स प्रकट होता है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड टाइप करें, दोबारा कंफर्म टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड टाइप करना, फिर ध्यान दें कि पासवर्ड जो है सेंसिटिव होना चाहिए और फिर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है स्प्रेड शीट के पासवर्ड को, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, यहाँ पे बोला गया है लिस्ट द स्टेप्स ऑफ प्रोटेक्ट स्प्रेड शीट विद पासवर्ड, तो ये आपके बताए हुए आप इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके आंसर, ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, यही इसका आंसर है जो मैंने आपको हिंदी में बताया, सेम वैसा ही है इंग्लिश में भी। चलिए नौवे क्वेश्चन की तरफ आते, नौवा क्वेश्चन बोला गया हरित नौकरियों को कोई दो लाभ, हमने हरित जो है ग्रीन कॉलर श्रमिक पढ़ा था, ठीक है, एंड हरित नौकरियां भी उसी से रिलेटेड है। हरित नौकरियां कौन सी होती है, जो पर्यावरण से रिलेटेड नौकरियां होती है। हरित नौकरियों से लाभ क्या होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करते हैं ये, ठीक है, अगर आप देखेंगे हरित नौकरियां वो है जो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, अपशिष्ट एवं प्रदूषण पर नियंत्रण रखता है ये, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसके पुनर्स्थापित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो है प्रति अनुकूलन का समर्थन करना, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दो लिखने आपको, इसके अंदर आपके चार पॉइंट लिखे हुए, तो ये हरित नौकरियां थी, इसके दो लाभ होंगे। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे बोला गया है इस क्वेश्चन में एनलिस्ट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, इसके अंदर पॉइंट से आप पढ़ सकते हैं जो आपका ग्रीन जॉब्स है उसके बारे में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, यानी जो एनवायरमेंटल है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है, इस प्रकार के जॉब से आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड क्वेश्चन नंबर हम दसवें की तरफ आते हैं एंड दसवें में नीचे की तरफ है आपका हिंदी, पहले हम इसके हिंदी को कर लेते हैं। पैरानाइड और सिक्सनाइड व्यक्तिगत विकार से के बीच अंतर बताना आपको, एक तो पैरानाइड हो गया और एक स्किंजा व्यक्तित्व विकार से विकार के बीच अंतर आपको बताना, तो पैरानाइड का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक घबराहट चिंता महसूस करना और क्योंकि आप मानते हैं कि अन्य लोग आपको पसंद नहीं करते या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं अत्यधिक घबराहट हो गया, चिंता महसूस करना, ये पैरानॉइड के अंदर आता है। स्किज़ोइड जो है इसकी विशेषता देखें हम तो सामाजिक रिश्तों में रुचि की कमी रहती है और लोग दूर अलग और उदासीन हो जाते हैं, एलोन हो जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, एक तो आपका जो है स्किज़ोनाइड एंड यहाँ पे पैरानाइड के बीच जो है आपको बताना था जो अंतर है उसके बीच, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, अगला क्वेश्चन 11वां होगा एंड 11वें को सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में देखें, बोला गया सक्रिय श्रवण में सम्मान का विस्तार करना है, निकालना आंख से संपर्क दिखाओ वेतन सहानुभूति रखें, संदेह जो है स्पष्ट करें और तराना, ये पॉइंट इसके अंदर सक्रिय श्रवण में सम्मान का कुछ इस तरह से विस्तार होगा, ये आपका आंसर है। चलिए इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं, एक्सपेंड रिस्पेक्ट इन एक्टिव लिसनिंग, तो रिमूव आई कॉन्टेक्ट स्टॉप पे एम्पैथीज एंड क्लियरली जो है डाउट्स एंड यहाँ पे ट्यून, ये आप लिखेंगे इसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इन्होंने निर्देश दिया हुआ है कि पांच में से किन्हीं तीन प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। हाँ एक चीज और, हमने जो ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस की उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, आइए मैं आपको एक बार जाकर दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी बोला गया है कितने क्वेश्चन बोले गए, हाँ यहाँ पे बोला गया पांच में से किसी तीन का आपको आंसर देना है, तो याद रखना आपको पांच में से तीन ही आपको करना है, इसमें पांच क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हम एंड इसके अंदर भी बोला गया है जो आपका क्वेश्चन नंबर 12वें से स्टार्ट होगा उसके लिए भी निर्देश दे दिया इन्होंने कि पांच में से किन्हीं तीन क्वेश्चन के आंसर ही देने, मैं तो आपको सभी के आंसर दे रहा हूँ लेकिन आपको आंसर इनके अकॉर्डिंग देने होंगे पेपर के अंदर। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन के अंदर जो 12वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है GDS से आप क्या समझते हैं, GDS आपको बताना है इससे आप क्या समझते हैं, तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ट्रेवल एजेंसी नेटवर्क है
जो एयरलाइन कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और ट्रेवल एजेंसी टर्मिनलों के बीच जो है इंटरकनेक्शन को सक्षम बनाता है। तो ये आप GDS पढ़ लिए, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये एक ट्रेवल एजेंसी नेटवर्क है जो एयरलाइन कंप्यूटर हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम और ट्रेवल एजेंसी के टर्मिनलों के बीच जो है इंटरकनेक्शन को जो है इनके बीच इंटरकनेक्शन बनाता है। ये आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय GDS, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ ट्रेवल एजेंसी नेटवर्क दैट इनेबल्स जो है इंटरकनेक्शन कनेक्टनेस बिटवीन एयरलाइन कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम एंड ट्रेवल एजेंसी टर्मिनल। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर जो पूछा गया 13 के अंदर कि क्रूज फ्लोटिंग रिसोर्टेज की तरह है, कोई भी दो बिंदु आपको देकर इसकी पुष्टि करनी है, क्रूज फ्लोटिंग रिसोर्स की तरह है आपको बताना है। तो परिभ्रमण मुख्य रूप से लगभग एक सप्ताह की छोटी समुद्री यात्रा पर केंद्रित होते, परिभ्रमण एक महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग बन गया है, बड़े क्रूजर फ्लोटिंग रिसोर्ट्स की तरह होते हैं जहां मेहमान अपने कई गंतव्यों की ओर बढ़ते हुए विलासिता और मनोरंजन का जो है आनंद ले सकते हैं। तो ये क्रूज फ्लोटिंग रिसोर्ट्स के बारे में बिंदु देकर आपको इसकी पुष्टि करनी थी, क्रूज जो फ्लोटिंग है रिसोर्ट्स की तरह है ये आपको बताना था। क्रूज इज लाइक फ्लोटिंग रिसोर्ट्स, जस्टिफाई इट बाय गिविंग एनी टू पॉइंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में है ये, द क्रूज आर मेनली जो है concurrently towards short sea journey of about a week, जो है cruising has become a significant tourist industry. Week cruises are like floating resorts where guests can enjoy luxury and entertainment while moving towards their multiple destinations. तो ये आपका English medium में हो जाएगा। चलिए अगले question की तरफ आते हैं, अगला question पूछा गया है 14 and इसके अंदर बोला गया है पर्यटन व्यवसाय में वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता क्या है, श्रीलंका के विभिन्न स्तरों पर श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर संगठन को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ऐसा तब होता है जब वितरण श्रृंखला में एक स्तर पर एक संगठन दूसरे स्तर पर एक साथ जो है एकजुट हो जाता है। ये आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन इन टूरिज्म बिजनेस। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। चलिए मैं इंग्लिश मीडियम में कम एक्सप्लेन करूंगा, आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिखा दूंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप देख सकते हैं इनके आंसर्स आपके सामने ही लिखे रहेंगे। 15 क्वेश्चन देखिए, यात्रा कार्यक्रम की तैयारी के लिए किन्हीं चार जो है पूर्व आवश्यकताओं की सूचीबद्ध करें, यानी यात्रा का हम कार्यक्रम करते हैं उसकी तैयारी से पहले हमें क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए। तो यात्रा की अनुमानित तारीखों या महीना, ठीक है, कुल संख्या पैक्स का, परिवहन का तरीका हमारा कैसा होगा, आवास की श्रेणी, स्थानीय परिवहन, बजट और अतिरिक्त सेवा, इसके अलावा हमें देख लेना चाहिए। इसके अंदर आपको चार बोले गए, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यात्रा जब आप मतलब घूमने कहीं जाते हैं तो उससे पहले क्या क्या चीजें आप सूचीबद्ध कर लेते हैं कि हमें जाना कहाँ है, कितने समय के लिए जाना है, परिवहन का कैसा तरीका होगा, कहाँ पे रहेंगे, ठीक है, खाने के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड आइए इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें, एनलिस्ट एनी फोर जो है प्री रिक्वायरिटीज ऑफ इटिनरी जो है प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट डेट्स और मंथ ऑफ ट्रेवल हो गया, टोटल नंबर ऑफ पैक्स हो जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, क्लास ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बजट, एक्स्ट्रा सर्विस, ये सारी चीजें आप इसके अंदर कोई चार ही आपको लिखने होंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, हम आते हैं अब 16 क्वेश्चन की तरफ, एंड 16 क्वेश्चन देखें तो ये आपका कुछ इस तरह से है। 16 क्वेश्चन में उस पैकेज टूर का नाम बताइए जो कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन या ठोस इनाम के रूप में आयोजित किया जाता है, किन्हीं दो बिंदुओं की आपको चर्चा करनी है। तो पैकेज टूर का नाम जो है इंसेंटिवाइज टूर है, जैसे कई सारी कंपनियां जो होती है वो इंसेंटिव के तौर पर जो है ट्रेवल दे देती है, यानी आपको घूमने फिरने के लिए दो दिन का आपको टूर पैकेज दे दिया जाता है, तो इंसेंटिवाइज टूर है। यह एक संगठित पैकेज टूर है जो व्यावसायिक फर्मों या कॉरपोरेट घरानों के प्रायोजन के साथ कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है। यह संगठन की नीति के अनुसार समय समय पर कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन या ठोस इनाम है। गवर्नमेंट जॉब में भी होता है ऐसा, एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। चलिए 16 क्वेश्चन को ये हम इंग्लिश मीडियम में देखें, तो नेम द पैकेज टूर विच इज कनेक्टेड कंडक्ट फॉर एम्प्लॉइज एज इनिशिएटिव और टैंगिबल रिवॉर्ड, डिस्कस एनी टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके तीन पॉइंट लिखे, आप यहाँ पे पढ़ सकते, ठीक है, ये ज्यादातर जो है कर्मचारियों को दिया जाता है, काम करने वाले जो लोग होते हैं ऑफिस के अंदर उनको
एक टूर पैकेज दे दिया जाता है अगर आपने अच्छा काम किया तो उनकी तरफ से होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आए, उससे पहले यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, तीन क्वेश्चन में से किन्हीं दो के ही आपको आंसर देने, तो 17वां, 18वां, 19वां जो होगा उनमें से आपको तीन में से किसी दो का आंसर देना है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, 17वां क्वेश्चन है, एक पैकेज टूर में बहुत सारी लागतें शामिल होती है, पैकेज टूर के किन्हीं छह लागत घटकों की सूची बनाएं, यानी आप टूर करने जाते हैं तो एक पूरा पैकेज रहता है, ठीक है, एक पूरा पैकेज रहता है इस टूर के अंदर, एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है लागतें का मतलब है बहुत सारे हमारे पैसे खर्च होते हैं किस किस चीज में, तो अनुसंधान और उत्पाद विकास, यात्रा लागत, आवास में हो गया, स्थानांतरण हो गया, भोजन पदार्थ और पेय पदार्थ में, पर्यटन और गतिविधि, विपणन और बिक्री समर्थन, प्रशासनिक और निवेश और विविध लागत, ये सारी चीजें होती है। आप नॉर्मल अगर आप देखें, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वैसा ही जो है पैकेज टूर भी होता है, जैसे आप यात्रा करेंगे तो परिवहन का खर्चा लगेगा, ठीक है, आप फिर वहां पर आप देखेंगे तो आवास की आप रहेंगे कहाँ पे, तो ये भी इसका भी खर्चा लगता है आपका, आपके खाने पीने का भी खर्चा लगता है, आप खाने पीते क्या है, ठीक है, और भी वहां पे अगर आप कोई जगह घूमने जाते तो वहां पे एक्स्ट्रा, जैसे आप कोई भी जगह घूमने जाते हैं तो वहां पे एक वो लिया जाता है ना, हर एक जगह नहीं लिया जाता है, एक आपसे फीस लिया जाता है कि अगर आपको इसको देखना है, जैसे म्यूजियम हो गया उसमें लग जाते हैं फीस आपको देखने के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, मतलब ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, इस तरह के इसके पॉइंट्स होंगे, आप यहाँ पे इसके पॉइंट देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इसके अंदर पूछा गया, अ पैकेज टूर इंक्लूड सो मेनी कॉस्ट, लिस्ट आउट एनी 6 कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एकोमेंडेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रेवल कॉस्ट हो गया, फूड एंड बेवरेज हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे, एंड मैं इसके सारे पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, आपको 6 लिखने हैं तो यहाँ पे 9 पॉइंट बताए हुए, आप इनमें से किसी 6 पॉइंट को लिख सकते हैं। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया, कविता अंडमान और निकोबार द्वीप में प्रसिद्ध ट्रैवल एजेंट बनना चाहती है, उसके द्वारा निपटाए गए विभिन्न कार्यों को, कविता जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है प्रसिद्ध ट्रैवल एजेंट बनना चाहती है, उसके द्वारा निपटाए गए विभिन्न कार्यों को स्पष्ट करना है, क्या क्या कार्य करने होंगे, उसे आरक्षण करना, यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाना, किराए और शुल्क की गणना करना, गंतव्य रिजोर्ट्स हो गया, एयरलाइंस कंपनियों और यात्रा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर ग्राहकों को सलाह देते हुए टिकट बनाना, ये सारी चीजें इन्हें करनी पड़ेगी, और क्या क्या है, ग्राहकों के साथ जो है मौखिक और लिखित जो है संवाद करना, आरक्षण पर जो सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना, ये सुनिश्चित करना कि रैक में जो है अच्छी तरह से स्टॉक किया गया है या आपूर्ति घर में ही रखी गई है, जहां ग्राहकों की शिकायतें आती है वहां माध्यम के रूप में कार्य करना, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है, एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, कविता वांट्स टू बिकम फेमस ट्रेवल एजेंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो है इलस्ट्रेट द वेरियस टास्क जो है डेल्ट बाय हर, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें, जैसे मेकिंग रिजर्वेशन प्लानिंग हो गया, कैलकुलेटिंग फेयर्स एंड चार्ज के बारे में, ठीक है, टिकटिंग हो गया, इसके बारे में एडवाइस करना अपने क्लाइंट्स को, कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स वर्बली एंड जो है राइटिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एंड और भी इसके पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18वां कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये चीजें कविता को करनी पड़ेगी अगर वो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार का जो है एक द्वीप है भारत का ही है वो, एंड उसमें जो है ट्रेवल एजेंट बनना चाहती है, फेमस ट्रेवल एजेंट बनने के लिए उसे ये चीजें करनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड 19वां क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकाय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे जो पर्यटन में युवाओं की गतिशीलता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकाय में आपको अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकाय के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है जो पर्यटन में युवाओं की गतिशीलता को बढ़ावा देता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका FIYTO, विश्व युवा छात्र और शैक्षिक यात्रा परिसंघ का संस्थापक गठन है ये YWYSETC, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, युवा गतिशीलता को बढ़ावा देना है, गतिशीलता को बढ़ावा देना और यात्रा, भाषा, अधिग्रहण, पारिवारिक जीवन, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यटन और विकास के अन्य अवसरों के माध्यम से युवा लोगों के क्षितिज को व्यापक बनाना है, बनाना था, यह पहचान पत्र करता है कि अपने युवा सदस्यों को पर्यटन सुविधाओं और संस्कृति की और अवकाश गतिविधियों तक जो है पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए, इसका प्रमुख प्रकाशन युवा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इसका प्रमुख प्रकाशन देखें तो युवा यात्रा अंतर्राष्ट्रीय है, और अगर हम देखें इस संगठन का मुख्यालय देखें
ये कहाँ पर है? डेनमार्क के अंदर है, जो कोपेनहेगन जगह पे है, डेनमार्क में, वहां पे है ये। इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें तो ये बोला गया है इसके अंदर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी विच प्रमोट्स यूथ मोबिलिटी इन टूरिज्म। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको बताने हैं एंड कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं, इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड उससे पहले निर्देश दिया हुआ है 5 प्रश्नों में से किसी तीन का आपको आंसर देना है। चलिए 20वें क्वेश्चन पे आते हैं, यदि रवि अपनी यात्रा योजनाओं की व्यवस्था स्वयं करता है तो एक यात्रा कार्यक्रम व्यवस्थित रहने और अपनी छुट्टियों के समय में समय को अधिकतम करने में जो है सक्षम होने का एक प्रमुख घटक है। यात्रा कार्यक्रम करते समय किन किन विभिन्न बातों का जो है विचार, यानी विभिन्न बातों पर विचार किया जाना चाहिए। यात्रा शुरू करने से पहले किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे रूट मैप और यात्रा कार्यक्रम का माल हमें बनाना चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे, कैसे जा रहे, किस तरह से जा रहे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें इसके अंदर बताया गया है, दूसरा यात्रा कार्यक्रम की गति, यहाँ पे आपको बताइए बतानी है यात्रा कार्यक्रम की गति, ग्राहक की आवश्यकता, पर्यटक की आयु, स्वास्थ्य उद्देश्य, प्राथमिकताओं आदि के अनुसार होनी चाहिए। यात्रियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर्यटकों की रुचि देखें तो यात्रा कार्यक्रम में अधिक मूल्य जोड़ने का ये महत्वपूर्ण तरीका है। ग्राहक की जो है रुचि का मिलान प्रस्तावित दौरे के अनुरूप आकर्षण और गतिविधियों से किया जा सके। तो पर्यटकों की जो है रुचि होनी चाहिए। आगे की तरफ आए हम, विचार किए जाने वाले विवरण आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय जो है छुट्टियां, स्मारकों और अन्य पर्यटन स्थलों के खुलने और बंद होने का समय, सामान की अनुमति, अपेक्षित मौसम, हवाई अड्डे पर जांच की औपचारिकताएं, उपयुक्त कपड़े आदि जैसे विवरण जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20वां कुछ इस तरह से हो जाएगा, यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय किन किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है, इफ रवि अरेंज हिज ओन ट्रेवल प्लान, अ ट्रेवल इटिनरी इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ स्टेइंग ऑर्गेनाइज एंड बींग एबल टू मैक्सिमाइज हिज वेकेशन टाइम, वट आर द डिफरेंट थिंग टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग एन इटेनरी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रूटीन रूट मैप एंड रूटिंग ऑफ इटेनरी, ये आपका आ जाएगा। आगे की तरफ आए, पेसिंग द जो है इटेनरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट हो गया एंड डिटेल्स टू बी कंसिडर्ड। तो ये पॉइंट आपके इंग्लिश मीडियम में होंगे जो आपको लिखने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां कंप्लीट हो जाता है, 21वें की तरफ आएंगे। तो 21वें में बोला गया पैकेज टूर के तत्व, यात्रा बाजार में पैकेज टूर की बिक्री निर्धारित करते हैं। पैकेज टूर के किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन करें जो पैकेज टूर की बिक्री को उन्नत करते हैं। आवास हो गया, ये टूर जो है पैकेज टूर के अंदर अगर हम देखें तो उन्नत करते हैं, एक तो आवास हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इसको एक्सप्लेन किया गया है, आवास इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दर्शनीय स्थल की यात्रा, यहाँ पे देखिए तो इस पैकेज में क्या होता है, टूर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व में से एक है, पैकेज टूर का एक अभिन्न अंग है क्योंकि ये शहरों में पर्यटकों की रुचि स्थानों और संचालित पर्यटन का प्रदान करता है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा आप डाल सकते हैं यहाँ पे, एयरलाइंस पैकेज टूर सेगमेंट में हवाई यात्रा एक महत्वपूर्ण घटक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ान, टिकट और ऑनबोर्ड सेवाएं शामिल है। टूर ऑपरेटर ग्राहकों के लिए जो है विभिन्न वर्गों को पूरा करने के लिए पैकेज टूर में प्रथम श्रेणी, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, भ्रमण किराया शामिल कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, हम इसके और भी पॉइंट बताए हुए हैं, जैसे कि कार किराए पर लेने की सेवा आप ये भी कर सकते हैं, रेलवे लग्जरी कोच सेवा, बीमा, इवेंट सेवा, ये पॉइंट्स हैं इसके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से आपको किसी 4 के बारे में पूछा गया, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर 4 तत्वों का वर्णन करना है, इसमें 8 बताए गए हैं, आप यहाँ पे 4 इनमें से किसी को लिख सकते हैं, जैसे रेलवे लग्जरी कोच सेवा, बीमा, इवेंट सेवा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये है, द एलिमेंट्स ऑफ पैकेज टूर डिटरमाइन द सेल्स ऑफ पैकेज टूर इन द ट्रेवल मार्केट, डिस्क्राइब एनी 4 एलिमेंट ऑफ अ पैकेज टूर विच अपग्रेड द सेल्स ऑफ पैकेज टूर। तो एकोमोडेशन हो गया, यानी आवास हो गया, रहने की जगह हो गई। आगे की तरफ आए हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो है साइटिंग टूर हो गया, एयरलाइंस हो गया, कार रेंटल सर्विस हो गया, एयर जो है रेलवेज हो गया, लग्जरी कोच सर्विस हो गया, इंश्योरेंस हो गया और इवेंट सर्विस हो गया। ये 8 पॉइंट लिखे हुए, इनमें से आपको किन्हीं 4 पॉइंट का ही आपको आंसर पूरा लिखना है, ठीक है, 4 पूछे गए तो 4 ही लिखना, इससे ज्यादा मत, बाकी आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां, एंड इसके अंदर बोला गया है दिव्या एक्स वाई जेड ट्रेवल कंपनी की एक टूर जो है मैनेजर है, वह किसी अन्य टूर ऑपरेटिंग कंपनी से टूर लागत की तैयारी में मदद लेना चाहती है,
लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लागत की गणना करने की विधि जो है एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी से दूसरे में काफी भिन्न होती है। वह टूर कॉस्टिंग कैसे करेगी? तो दिव्या को पता होना चाहिए कि टूर लागत को पैकेज टूर के विभिन्न तत्वों के लिए खर्च की गई जिम्मेदार कुल लागत के रूप में जो है दर्शाया जाता है। इन सेवाओं की बुकिंग की लागत का योग जो है FIT एंड गिट जो है टूर पैकेज को डिजाइन करने में खर्च किया जाता है। पैकेज टूर की लागत ग्राहकों के स्वाद और प्राथमिकताओं को और अधिक टूर पैकेजों की बिक्री बढ़ाने में व्यवसायिक रणनीति द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे इसके और भी पॉइंट है, जैसे कि दिव्या जो है वो आसानी से जो है दिव्या आसानी से परिवर्तनीय और निश्चित लागत का पता लगा सकती है और उचित निर्णय ले सकती है। लागत की गणना करने की विधि एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी से दूसरी कंपनी की मुख्य योग्यता और कंपनी की व्यावसायिक रणनीति के आधार पर काफी हद तक भिन्न होती है। ब्रेक इवन विश्लेषण टूर लागत की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। ये पैकेज टूर की जो है बिक्री से उत्पन्न कुल राजस्व और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जो है की गई कुल लागत के बराबर होनी चाहिए। इस तकनीक का उपयोग जो है वैकल्पिक मूल्य निर्धारण लेबल का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिससे कुल निश्चित लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग का पैकेज की कीमतों से विभाजित करके बिक्री भी जो है प्राप्त की जा सकती है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे। चलिए अब आगे हम क्वेश्चंस को इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो ये है, दिव्या इज अ टूर मैनेजर मैनेजर ऑफ XYZ ट्रेवल कंपनी। सी वांट टू टेक हेल्प इन जो है प्रिपरेशन ऑफ टूर कॉस्टिंग फ्रॉम सम अदर टूर ऑपरेटिंग कंपनी, बट एज वेल एज वी ऑल नो दैट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट लार्जली वेरी फ्रॉम वन टूर ऑपरेटिंग कंपनी टू अदर, सो हाउ विल सी डू टूर कॉस्टिंग। तो ये इसके पॉइंट लिखे हुए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, जो कि इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह के इसके आंसर होंगे पूरे, आपको ये पॉइंट इसके अंदर लिखना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बस ये इसके अंदर आपको लिखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर है आपका 23। इसके अंदर बोला गया है, पेशेवर निकायों के पास प्रदर्शन करने के लिए विविध क्षेत्र है, UFTAA के मुख्य कार्यों की सूची बनानी है। तो ट्रैवल एजेंटों के राष्ट्रीय संघों के संघों को एकजुट और समेकित करना जो है, और विश्व स्तर पर उनके सदस्यों के हितों को बढ़ाना, विभिन्न विश्वव्यापी निकायों सरकारी अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष जो है ट्रैवल एजेंटों की गतिविधि का प्रतिनिधित्व करना, उन उपायों और को अपनाने की दिशा में काम करना जो उपभोक्ता के लिए यात्रा को आसान बनाएगा और अपने सदस्य संघों को सेवाएं प्रदान करेगा, सदस्य संघों के काम का समर्थन करने वाला एक जांच और सूचना केंद्र बनाना, और तकनीकी विकास के लिए जानकारी जो है प्रदान करना। ये पॉइंट होंगे इसके। चलिए और भी नीचे पॉइंट है इसके, जैसे कि एक स्वैच्छिक तंत्र के रूप में जो है मध्यस्थता की सेवा जो है पेश करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्वैच्छिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की सेवा की पेशकश करना जो वाणिज्यिक संबंधों के परिणाम स्वरूप होने वाले संघर्षों को सुलझाने में सहायता करता है, जिसके लिए सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता। ट्रेवल एजेंटों की एक विश्व कांग्रेस और ज्ञान के आदान प्रदान और प्रशासन के लिए आवश्यक अन्य बैठकें आयोजित करना, ये चीजें हो सकती है। चलिए ये हमने देखा हिंदी मीडियम में, इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देख ले। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, द प्रोफेशनल बॉडीज हैव जो है डिवाइस फील्ड एरियाज टू परफॉर्म, लिस्ट आउट द मेंटेन फंक्शन ऑफ UFTA के बारे में आपको UFTAA के बारे में आपको बताना है। तो ये आंसर आपके कुछ इस तरह से हो जाएंगे, आप इनके पॉइंट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूँ इसका, कुछ इस तरह के इसके पॉइंट्स होंगे, आपको इसे लिखना हो। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, 24वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड 24वां क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, यात्रा और टूर व्यवसाय में ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रणाली की गणना करें। तो ये आप देख सकते हैं इसके पॉइंट आपको बताए हुए, यात्रा और टूर व्यवसाय में ऊर्ध्वाधर एकीकरण की प्रणाली का आपको बताना है। जैसे ऊर्ध्वाधर एकीकरण तब होता है जब वितरण श्रृंखला में एक स्तर पर एक संगठन दूसरे स्तर पर एक के साथ एकजुट हो जाता है, यह एकीकरण आगे की ओर या श्रृंखला की दिशा में नीचे की ओर हो सकता है, जैसे कि उस स्थिति में जहां एक टूर ऑपरेटर ट्रेवल एजेंटों की अपनी श्रृंखला खरीदता है, या पीछे की ओर देखें हम तो यह श्रृंखला की दिशा के विपरीत की ओर हो सकता है, जैसे कि एक ऐसा मामला जहां टूर ऑपरेटर अपनी खुद की एयरलाइन खरीदता है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखें, कहा गया है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यहाँ पे जैसे कि स्पष्ट रूप से अधिक पाया जाता है, ये अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि संगठनों के पास वितरण श्रृंखला के आगे व्यवसाय को खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी होने की अधिक संभावना होती है, जिसके लिए कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यहाँ
यहाँ तक कि सबसे बड़ी ट्रेवल एजेंसी श्रृंखला के पास भी अपनी खुद की पूंजी बनाने के लिए जो है आवश्यक पूंजी होने की संभावना नहीं होगी। तो ये आप इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड इसका ये आंसर कुछ इस तरह से हो, ठीक है। ये आपका 24वां क्वेश्चन का ही जो मैंने हिंदी मीडियम में आपको बताया वही है ये। एंड इस तरह से ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका टूरिज्म का पेपर था एंड हमने जो है डिस्कस किया है पार्ट टू को। हमने पार्ट वन ऑलरेडी इसका अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। एंड पार्ट टू को हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए टूरिज्म हमें बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो मैंने जो सैम्पल पेपर देखा CBSE ने करवा रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि ऐसा पेपर आएगा। एंड पैटर्न तो आपका यही होगा, इसी पैटर्न पे आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर की तैयारी करें यही कह सकता हूँ मैं। और हमारी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है टूरिज्म में, इसीलिए हमसे भी जो है बहुत अच्छे से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैंने जो पॉइंट बोले, जैसे क्वेश्चंस बोले, वो आप देख सकते हो। बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आपको क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।